दुरूद उन पर जो वजह वजूद कायनात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान आजम कटारिया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मुझे हैरानगी होती है इन लोगों पे जो अपना फेम लेने के लिए जो है ना किसी और का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उसको उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे कि अभी एक यूट्यूबर है मुबशर सदीक है, ये सियालकोट वाली साइड पे हैं और बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं वो, और उनके बारे में लोगों ने अब गलत ये अफवाहें फैलाई हुई हैं कि उन्होंने शादी की है, एक की है, दो की है। मतलब अगर दो भी की हैं तो ये शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है, ये उनका अपना मसला है, इसमें हम लोगों का कोई नहीं बनता इस तरह की बातें करना कि उसको मतलब कि बदनाम किया और ख़ुद का फेम लिया। ऐसे लोगों से मुझे बड़ी हैरानगी होती है इन लोगों पर कि जो ये गलत बातें करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अफ्तारी की है मैंने, अफ्तारी करके नमाज पढ़ के तो अभी मैं बाहर निकला था तो दोस्त की तरफ जा रहा था। तो मेरा कतन ये वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी आपके साथ शेयर। मैंने सोचा करूँ ये बात कि जब लोगों के पास कॉन्टैक्ट नहीं होता अपना, ये चीज़ें मतलब कि कुछ चीज़ नहीं मिलती उन्हें मशहूर होने के लिए, फेम लेने के लिए, तो वो जो है ना किसी और का जो गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि यार एहतियात करें, आप अपना कंटेंट लाएं, अपना कुछ दिखाएं उन लोगों को जो लोग लाइक करें। इसमें कोई चीज़ मतलब कि फेम नहीं मिलता कि किसी को बुरा दिखाने के लिए। अब वो माशाल्लाह इतनी अच्छी व्लॉगिंग करते हैं और उनकी ये बड़ी ख़ास बात है कि क्या नाम है, उन्होंने कभी घर की औरत को बीच में नहीं लाया अपनी वीडियोज़ में ना। तो बड़े लोग मैंने ऐसे बड़े व्लॉगर देखे हैं जिन्होंने अपनी औरतों घर की बीवी बहन को इस्तेमाल करे उन्हें आगे ला के, और अभी इस टाइम अपना फेम ले रहे हैं वो। तो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं वो, उनके पास बहुत अच्छा कंटेंट है। वो क्या नाम है, फूड सीक्रेट का उनका चैनल है अपना, फूड मतलब दिखाते हैं लोगों को, बना के दिखाते हैं वो चीज़ें। तो आज 29वां रोज़ा भी हो गया, तो अभी तक तो चांद नज़र नहीं आया, ईशा का टाइम होने वाला है। पिछले साल जो था वो तो मतलब कि 29 रोज़े के बाद ईद हो गई थी, पिछले साल ऐलान हो गया था, और वो भी सुबह सहरी के टाइम हुआ था जब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रोज़े रख लिए थे। और इस साल देखें जो अल्लाह को मंजूर हो, जो बेहतर हो हमारे लिए।